एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 3। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और टाइम 15 मिनट है, तो आप लोग पूरा टेस्ट देंगे और एक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड टाइम देता हूँ। और ध्यान दें, जितने टॉपिक्स, टोटल 17 टॉपिक्स का इस बार एग्जाम होगा ए बी सी तीनों में। डी जी एन सी सी ने 17 टॉपिक्स के नए नए क्वेश्चन आंसर लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक नया टॉपिक बॉर्डर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज। इसके मैंने सारे क्वेश्चन आंसर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप गूगल पर सर्च कर लेंगे www.tejasnccerm.com, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और ए ग्रेड कन्फर्म दिलाऊंगा। शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर करना और टेस्ट डेली दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए हैं सभी का वेलकम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और अपने जूनियर सीनियर को भी बता देंगे क्लास के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 95 में, 71 में, 99 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? आंसर सभी का आना चाहिए, पूरा टेस्ट देना। 40 में 40 सबका होना चाहिए सही, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कारगिल युद्ध करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 1999 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 20 अप्रैल 1919 को। शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर कीजिएगा और उस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, वहाँ से सारे पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी सारे भी अपलोड कर दूंगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट के साथ याद रखना, बी होगा 13 अप्रैल 1919 को। थर्ड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। और कोई भी गलती से भी बुक परचेज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें नए नोट्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जो पेड कोर्स होगा 2-3 दिन के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? डी होगा अमृतसर, पंजाब में। फोर, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, झूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी में से आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुचिपुड़ी। फिफ्थ, बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? मंदिर, मस्जिद, विहार, चर्च। बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? मतलब जहां पे बहुत धर्म के लोग पूजा करते हैं उस जगह को किस नाम से बुलाते हैं? सी होगा विहार। सिक्स, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। सेवन, केरल की राजधानी कहाँ है? पटना, लखनऊ, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। वेयर इज द कैपिटल ऑफ केरल? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। एट, इसमें ध्यान देंगे, भारतीय संविधान खालिस्तान पर अपनाया गया था, अपनाना मतलब कब बन कर तैयार हुआ था पूछ रहा है, ठीक है? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था, मतलब किस डेट को बनकर तैयार हुआ था? लागू होना पूछेगा तो अलग डेट है, बनकर रेडी होना अलग डेट है। ये होगा 26 नवंबर 1949। 9, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, शिमला, भुवनेश्वर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शिमला। 10, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, 7 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1929 को, 3 जनवरी 1929 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था?
डेट के साथ आपको आंसर याद रखना है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। 3 फरवरी 1928 को, ऑप्शन ए होगा। 11, गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। 12, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1947 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी क्विक इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 में। 13, EBSB का फुल फॉर्म लिखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारतीय श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारतीय, एक भारतीय श्रेष्ठ भारतीय। EBSB का फुल फॉर्म लिखें क्या होगा? स्पेलिंग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 14, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, पश्चिम बंगाल का? छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? इसको महापर्व ये है और काफी श्रद्धा का, इमोशंस का त्यौहार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार का। 15, सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र? यहाँ पे काफ़ी लोग फंसते हैं, असैनिक दिया है, मतलब जो अवार्ड सिविल को देते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इंडिया में, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत रत्न। 16, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। 17, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भुवनेश्वर? वेयर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, क्या होगा? ओडिशा की राजधानी डी होगा, भुवनेश्वर। 18, राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 16, 20, 28, 24? राष्ट्र ध्वज मतलब पूछ रहा तिरंगा झंडा में, तिरंगा झंडा में कितनी तिलियां होती है, मतलब जो चक्र में लाइनिंग होता है ना वो कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। 19, शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है, क्या होगा? टोटल 40 क्वेश्चन है और इस टॉपिक के 3 क्विज टेस्ट होंगे नेशनल इंटीग्रेशन के, बहुत सारे क्वेश्चन है। डी होगा, बिहार में। 20, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू? वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोलंबो। 21, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर? वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगटोक। 22, एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में? एवरेस्ट की चोटी किस देश में है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नेपाल में। 23, UNO का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? मेक्सिको में, फ्रांस में,
ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में। सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में, ठीक है। और डीजीएनसीसी वाला आपको मैंने बता रखा है वेबसाइट, वहां से आप पढ़ेंगे, वहां सारे नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, एबीसी तीनों के लिए। इवेनो का मुख्यालय डी होगा न्यूयॉर्क में। 24, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इतना हार्ड क्वेश्चन है, इसका तो आंसर किसी को नहीं आता होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरगद का पेड़, यानी बनियान ट्री। 25, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29, 28, 30, 38। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री, सबका सही होना चाहिए, मोस्ट वीवीआई एंड इजी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। तो टोटल राज्य 28 है, बी होगा। 26, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? बच्चा वाला क्वेश्चन है, परफेक्ट होना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रायपुर। 27, राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शक्ति और साहस का। 28, टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल की, जापान की, रूस की, बांग्लादेश की। सारे क्वेश्चन आपको अभी ना काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस को ना टफ कर दिया है। करेक्ट आंसर टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डी होगा। 29, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। 30, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं, तो ध्यान से आंसर देना, 90% लोग गलत देते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, अशोक चक्र, मोर, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ। ध्यान से आंसर दीजिएगा, ये सब ना नर्सरी एलकेजी का क्वेश्चन है, फिर भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया अशोक स्तंभ है, डी होगा। 31, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? बच्चा वाला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देहरादून। 32, जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। 33, कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखें। कोरोना वायरस डिस्टर्ब 19, कोरोना वायरल डिजीज 19, कोरोना वायरस डिजीज 19, कोरोनरी वायरस डिजीज 19। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोना वायरस डिजीज 19। स्पेलिंग याद रखिएगा। 34, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? क्या होगा राजस्थान की राजधानी? करेक्ट आंसर डी, जयपुर। 35, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1857 में, 1920 में, 1939 में।
स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? मतलब आजादी का पहला लड़ाई जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, मंगल पांडे जी ने किया था, तो बी होगा 1857 में। 36, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी, कुत्ता, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इतना हार्ड क्वेश्चन है और ये भी ना पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर डी, बाघ यानी टाइगर। 37, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, शिमला। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कोहिमा। 38, ईयू का फुल फॉर्म लिखें। यूरोपियन यूनिफॉर्म, यूरोप्स यूनियन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन। फुल फॉर्म ऑफ ईयू। डेली 4:30 बजे क्विज टेस्ट होता है तो आप लोग टाइम से देंगे। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ सबका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। 39, पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1947 में, 1920 में, 1939 में। कॉलिजन ऑफ पाकिस्तान कब हुआ था? सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। पाकिस्तान का विभाजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1947 में। लास्ट आज का 40 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली। एक क्वेश्चन पूछता है इंडिया गेट, बट ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएंगे आप। जिनका 40 में 40 सही है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी लोग कितना की कमेंट करें। और मैंने आपको बता रखा है बॉर्डर एरिया एंड कोस्टल एरिया, इसके हिंदी इंग्लिश दोनों में इस वेबसाइट पर नोट्स अपलोड कर दिए, तो गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasnccerami.com। आपको सारे नोट्स यहीं पे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग वेबसाइट सर्च करके वहाँ से पढ़ेंगे, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। DGNCC ने 17 टॉपिक के नए क्वेश्चन 1 से 1.5 हज़ार लॉन्च किए, तो उसी का मैं बना रहा। जिन्हें बुक परचेज करना है, बुक गलती से भी कहीं से परचेज नहीं करना, नहीं तो आप पास नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। PDF में अवेलेबल कराऊंगा, बुक अभी अपना नहीं आ पाएगा, तो PDF भी पेड कोर्स होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है? 2-3 दिन वेट कीजिए। सारे हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए उसमें मिलेंगे। तो चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, टेस्ट डेली दीजिएगा। शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, फिर 8:10 पर होती है, और सुबह में 7:30 बजे, तो क्लास टाइम से करेंगे। और चैनल सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।